प्यारों को खोने का दर्द बयान करना मुश्किल होता है। ये एक ऐसी आग है जो हमें अंदर से खा जाती है। इस दर्द को सिर्फ वही जानते हैं जिन पे गुजरता है। मेरे दिल में भी हजारों प्यारों को खोने का दर्द है। हम सभी इस दर्द में एक साथ मुब्तिला हैं। इस दर्द को अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल मेरी बच्ची, बिल्कुल। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। अल्लाह हम सबको सब्र दे। जब हमारे प्यारे एक एक करके हिदायत की तरफ सफर करते हैं तो फिर जिंदा रहना एक बोझ की तरह महसूस होता है। मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपने किन्हें खोया है? हम पर यह पहला हमला नहीं था मेरी बच्ची। उन्होंने पहले भी हमारी बस्ती में एक ना बुझने वाली आग लगाई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, बरसों पहले की बात है। जब मैं उस दिन बस्ती लौटा मैंने देखा कि मेरे खेमे में आग लगी हुई है। आगे मत जाइए, पीछे हो जाइए। रुके, संभाले खुद को, खुदा के लिए पीछे हो जाइए। मत रोको, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। उस दिन अपने होशो आवाज खो चुका था। मैंने वो बेटी खोई जिससे जन्नत की खुशबू आती थी और उसकी मां की खूबसूरती मेरी आंखों को ठंडा करती थी। बेटी, संभालिए खुद को। वो खैमे के अंदर चल गए। बेटी, और मैं बाहर चलता रहा। इतनी तकलीफ है कि जितना मुझे कभी किसी जख्म से नहीं हुई। इतना बड़ा दुख, इतना भारी बोझ। हमारा बोझ और हमारा दर्द एक जैसा है बेटी। अब इस दुनिया में तो इस जुदाई का इलाज नहीं। कि काओमिनोस ने जो सिपाही भेजे हैं वो जल्द यहां होंगे। तुम्हें मर्फ बस्ती में दाखिल करने के लिए वो अपने सिपाहियों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। जानती हूं दुश्मनी में उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। जैसे मेरी मां को कत्ल किया और मुझे मेरे बाप से जुदा कर दिया। तुर्कों के खिलाफ उसकी साजिशें ही उसकी बर्बादी का सबब बनेंगी। वक्त आ गया है, तैयार हो तुम? अगर हम कामयाब हो गए तो वास्पुरा कान हमारा होगा और तुम अपने बाबा से दोबारा मिल पाओगी। अपनी जान लगा दूंगी उस दिन के लिए जब मैं अपने बाबा को गले लगा सकूं। शुक्र है कि यह जिंदगी अबदी नहीं है। जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो तमाम आरज़ूएं खत्म हो जाएंगी। तुम पर मजीद गमों का अंबार उंडेल दिया, मुझे बस दुआ में याद रखना। चलता हूं, अपना ख्याल रखना बेटी।